अब आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है आइए आपको सुनाते हैं। पर अपनी गवाही दी, 10-10 साल तक ढूंढ के लाए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, ये लोग हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब, 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, उसका फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आपके सामने पढ़ूं। वी होल्ड द अपील इज डिवॉइड ऑफ मेरिट्स एंड डिजर्व टू बी डिसमिस इन द फोर्सफेड ग्राउंड। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, द प्रोसीडिंग हैव बीन परस्यूड फॉर लास्ट 60 ईयर्स टू कीप द पॉइंट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन। जान बूझ कर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, इट अपियर्स टू अस दैट अ कोलेस एफर्ट ऑफ द डिसग्रंटेड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात अलोंग विद अदर्स वाज टू क्रिएट सेंसेशन बाय मेकिंग रेवलेशन विच आर फॉल्स टू देयर ओन नॉलेज। झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें, क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर है आप सभी जानते हैं कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है और बस वही तीसता से दलवार, उनके लेफ्ट इज फ्रेंड एक विधवा जो जाफरी जी उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे रायट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है, हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और भ्रष्टाचार, और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001 से चल रहा था आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए,
वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत जनता से कहना चाहूं, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजय रहे, वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है, गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत जनतापूर्वक आग्रह करूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो बड़ी कृपा होगी। इसी से रिलेटेड पहले एक सेकंड रुक जाइए, आग्रह कर रहे हैं इस विषय से संदर्भित। और देखिए आपको सुन रहे थे कि पूरी जांच यूपीए सरकार के दौरान है, बीजेपी का आरोप है। देखिए 2002 के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पीएम मोदी को क्लीन चिट दी थी, ये कुछ कहा श्री रविशंकर की तरफ से। और पूरी जांच यूपीए सरकार के दौरान हुई और जनता और कोर्ट दोनों में प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई, ये भी उन्होंने कहा।